नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और बहुत बड़ा एक तरीके से फेरबदल कर दिया है हैदराबाद ने आज के मैच में दिल्ली जैसी टीम को हरा के और पॉइंट्स टैली को ना और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है, प्लेऑफ्स की जंग को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी हार हारेगी दिल्ली कैपिटल्स, बल्कि दो लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली कैपिटल्स इतना बढ़िया खेल रही है, आज वो कम से कम इस पूरे मैच में जीत जाएगी और प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी। लेकिन इरादे कुछ अलग थे, रिद्धिमान साहा के, डेविड वार्नर के, दोनों ने अपनी ही बल्लेबाजी से पूरा मैच ही खत्म कर लिया। क्या कहते हैं रोहित? बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही, मतलब रिद्धिमान साहा से तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की होगी, डेविड वार्नर से तो फिर भी लोगों को उम्मीद रहती है कि यार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इस तरह से खेलते हैं कि मैच को पूरी तरह से जो है विपक्षी टीम की जद से जो है वो बाहर कर देते हैं। लेकिन रिद्धिमान साहा एक अलग ही रूप में नजर आया और शुरुआत से ही लगा कि जो है वो फर्स्ट गियर पे खेलेंगे ही नहीं, वो मैक्सिमम अपनी जो पारी है उसको स्पीड बना के रखेंगे और शायद उन्हें इसीलिए भेजा गया था कि आप जाइए टेढ़ फेढ़ हो जाइए, वहां जाकर आप रुकने वाला गेम मत खेलिएगा। वार्नर जो है वो कोशिश करेंगे कि आखिरी तक जाएं और आप जो है वो बल्ला चलाइए, जहां आपसे हमें 20-30 रन मिल गए 10-12 15 बॉलों पे, वहां आपका काम खत्म है। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं पांच हीरोज की आज के मैच की जिन्होंने हैदराबाद को जीत दिलाई है। सबसे बड़े हीरो तो रिद्धिमान साहा हो गए, दूसरे हीरो डेविड वार्नर, 66 रन की बढ़िया पारी खेली उन्होंने, तीसरे हीरो रहेंगे मनीष पांडे जिन्होंने 44 रन नॉट आउट बनाए, उसके बाद फिर गेंदबाजी पे आ जाते हैं बहुत शानदार, मतलब राशिद खान उनके चौथे हीरो रहेंगे क्योंकि उन्होंने तीन विकेट लिए वो भी 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देके। और मुझे लगता है फिर संदीप शर्मा को नहीं बोलना चाहिए, हाँ 2 विकेट उन्होंने, उनका गोल्डन डक पर विकेट गिराना सही बात है वो। और इस मैच में अगर आप एक एक्स फैक्टर और माने तो वो मैं मानूंगा ट्रेस अय्यर की खुद की गलती, इतनी डाउन द ऑर्डर अगर बैटिंग करने का क्या नहीं, और दूसरी बात टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का क्या मतलब था यहाँ पर, सही बात, मुझे समझ में नहीं आया उनका वो फैसला। इस तरह के मैचेस खेलो जब अब प्रेशर आ गया ना दिल्ली पे, दो मैचेस जीतने पड़ेंगे, दो मैचेस नहीं जीते तो बाहर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अब एक तरीके से अपने पैर पर खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली, तो इस वजह से चलिए हैदराबाद अब जीत गई है, बहुत अच्छी बात है कि और ज्यादा रोमांचक हो गई है अब प्लेऑफ्स की जंग। अब कोई भी टीम, सात में से कोई भी टीम अभी सबके लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी टीम पहुंच सकती है, ऐसा इंटरेस्टिंग आईपीएल शायद ही आपने कभी देखा होगा, नहीं तो 11-11 12-12 मैचेस के बाद तस्वीर थोड़ी बहुत साफ हो जाती थी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।